डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए हम लोग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 13.1 जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 13.1 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखा दें तो क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। देखिए, एक घन है जिसका भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। आप एक घन बनाइए, तो घन हम लोग बना लिए, कितना सेंटीमीटर भाई, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला, एक भुजा घन घन का बना लिए जो 7 सेंटीमीटर का है। अब ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला ये हम लोगों का घन हो गया, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर भुजा का घन है, इसका मतलब सभी भुजाएं कितना कितना है, 7-7 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब रहा बात कि इसी घन के भुजा के ऊपर एक अर्ध गोला टिकाया हुआ है, देख पा रहे होंगे ऐसा लिखा हुआ है, ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। तो अब ऊपर अर्ध गोला रखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का अर्ध गोला का नीचे वाला आधार, और ऐसे करके ऊपर से अर्ध गोला रखा हुआ है। ये कहाँ रखा रखा गया भाई, तो घन पे, ठीक है, घन के ऊपर अर्ध गोला रखा गया। तब क्या बोल रहा है, घन पे रखा गया, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, तो सिंपल है भाई, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास उतना ही ना होगा जिसका इतना इसका जितना इसका भुजा होगा। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम लोगों को ये लिखना चाहिए कि दिया है, क्या दिया है भाई, तो घन की भुजा कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और अर्ध गोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, तो अधिकतम अधिक से अधिक व्यास कितना हो सकता है, तो उतना ही ना व्यास हो सकता है जितना बराबर घन की भुजा होगा, यानी जितना घन की भुजा होगा उतना ही, यानी कि आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों को 7 दिया था घन की भुजा। तो सवाल क्या बोला कि उसके ऊपर एक अर्ध गोला टिकाया हुआ है, तो अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो इसका पहला क्वेश्चन था कि अर्ध गोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो अधिकतम व्यास बराबर कौन, घन की भुजा, क्योंकि जितना घन की भुजा रहेगी उतना ही ना अधिक से अधिक व्यास वाला अर्ध गोला टिक सकता है, तो अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि क्या बोला जा रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब हमको पृष्ठीय का मतलब, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब कभी भी सवाल में पृष्ठीय बोल दे, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब समझना है आपको कौन सी, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या समझना है, पूर्ण पृष्ठ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको इस पूरा आकृति का यानी कि ठोस का बताना है, तो इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, तो लिखेंगे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो सबसे पहले घन का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो घन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ऊपर वाला जो अर्ध गोला रखा हुआ है तो ऊ वाला एरिया भी तो शामिल हो जाएगा। तो याद रखिए, इसमें हम लोग जोड़ेंगे कौन सी, घन का पूर्ण क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमको पूरा का निकालना है, तो हमको कौन निकालना है, तो चारों तरफ का, यानी नीचे पांचों तरफ का, और ये तो हम लोग अर्ध गोला टिका है तो ऊ वाला एरिया तो कवर हो जाएगा अर्ध गोला के रखने से, तो इसलिए एक वृत्त बनेगा, उस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, यानी कि पूरा वाला में से
पूरा घन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। वृत्त का मतलब इसलिए क्योंकि अर्धगोला के टिकाए हैं तो उसके एक सतह पर ऊपर वाला पर एक वृत्ताकार बनेगा, उसको हम लोग घटा लिए और प्लस कर देंगे कौन, तो अर्धगोला रखा हुआ है तो ऊपर वाला इससे मुड़ान जैसा होगा उसको हम लोग कहेंगे अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठ, उसको क्या कहेंगे, नहीं सॉरी वक्र ना बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है। अर्ध गोले का वक्र क्यों हम जोड़े पता, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ इसलिए जोड़े क्योंकि ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है और अर्ध गोला का ऊपर से अगर हम लोग टच करेंगे तो ऐसे ऐसे करके दिखेगा, वर्गाकार दिखेगा और उसका फार्मूला होता है 2πr2। इस तरीके से 6a2 और ये माइनस में पाई आर स्क्वायर प्लस में, तो प्लस मिलके पाई आर स्क्वायर होगा, 6 गुने a के जगह पे कितना, तो भुजा 7 सेंटीमीटर है प्लस पाई के मान 22/7 और ये आर, आर का मतलब कुछ ही, तो ये हम लोगों को त्रिज्या बोल रहे निकालने के लिए। तो अर्ध गोले का व्यास जब 7 है तो इसलिए त्रिज्या हम लोग लिख नहीं सकते हैं 7/2, तो इस आर के जगह पे 7/2 करके और पूरा का सॉल्यूशन कर लेंगे, आर के जगह पे 7/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया गया है कि अर्ध गोले का व्यास घन के किनारों के बराबर है, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया है सवाल में, हम आपको समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक जो है घन है, ठीक है, और ये घन है, ठीक है, एक घन है और ये जो घन है तो इस घन के एक सतह को काट कर अंदर की ओर ना गड्ढा बनाया गया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक गड्ढा बनाया गया है अर्धगोलाकार, एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, जैसे मान लिया कि कुछ नहीं है दोस्त, इसमें जो है ना आपको ऊपर न रहकर गड्ढा बना दिया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे घन का जो घन है इसमें जो फिगर दिखा रहा है कि एक सतह को काटकर अंदर की ओर गड्ढा बनाया गया। अब इसमें भुजा कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए कि भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसका भुजा कितना है, ए। तो यहाँ मान लीजिए कि माना घन की भुजा कितना, घन की भुजा बराबर ए, और जब घन की भुजा ए होगा तो अर्ध गोले का व्यास भी ए होगा, अर्ध गोले का व्यास, क्योंकि ये बोला गया कि व्यास जो है भुजा के बराबर है, तो व्यास जब ए होगा तो त्रिज्या कितना होगा, तो व्यास का आधा यानी कि a/2। अब इसका बोल रहा है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो या फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस ठोस का ये जो बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पूर्ण पृष्ठीय बोलिए चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे कौन वाला, जो इधर वृत्ताकार एक गड्ढा बन रहा है उसका, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, प्लस कौन सा, तो प्लस हम लोग कह सकते हैं कि जो आप गड्ढा बनाए हैं अर्ध गोलाकार, तो उसको जब टच करिएगा तो अंदर से ऐसे ऐसे नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से हम लोग टच करेंगे तो ऐसे ऐसे नजर आएगा गड्ढा, तो जो गड्ढा टच करेंगे उसको कहेंगे वक्र पृष्ठ, यानी कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक
ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग अब पुट कर सकते हैं, घन का पूर्ण पृष्ठफल होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम कुछ मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो दिया नहीं है सवाल में। भुजा आप एक्स मानिए, एल मानिए, पी मानिए, कुछ भी मानिए, तो उसी में आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर को मिलाना पड़ेगा कि किस में आंसर दिया है, वो बात की बात है। हम ए मानेंगे तो ए में आंसर आएगा, एल में मानेंगे तो एल में आंसर आएगा। तो इसलिए घन का पूर्ण पृष्ठेत्रफल क्या होगा, 6 गुने a स्क्वायर, क्योंकि भुजा ए माने हैं। वृत्त का क्षेत्रफल -2 -π r² ये वाला होगा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है 2π r², बस r के जगह पे आपको a/2 रख देना है और रख के उसको सॉल्व कर लेना है। तो कुल मिलाकर पांचवा भी आई होप कि आप इसको कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे फिर हम जरूर आपको सॉल्व करके बताएंगे। हालांकि चौथा पांचवा क्वेश्चन को जरूर आपको सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि पांचवा और चौथा क्वेश्चन दोनों एक ही कैटेगरी का था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है 6 में, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे बोल रहा है कि एक कैप्सूल है बेलनाकार का, बेलनाकार आकृति का, यह हुआ कैप्सूल। ठीक है, अब इस कैप्सूल जो है, ये कैप्सूल आप कैप्सूल तो देखे ही होंगे, ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, और ये जो कैप्सूल है ये हम लोगों को ऐसे नजर आ रहा है। क्यों भाई ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सवाल खुद बोला है कि दोनों सिरों पर जो कैप्सूल है उसके दोनों किनारों पर अर्धगोला स्थित है, एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर। ठीक है, अच्छा फिर आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, जिसके दोनों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आकृति जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कुल मिलाकर यहाँ से जब करेंगे तो एगो अर्धगोला बनेगा, और यहाँ से करेंगे तो एगो अर्धगोला दोनों तरफ बनेगा। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास जो है 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। चलिए अब हम लोग यहाँ सवाल समझते, पूरे कैप्सूल का लंबाई देखो कितना है भाई, 14 mm, पूरा mm मतलब मिलीमीटर में, यहाँ से लेकर पूरा कैप्सूल, लेकिन इसका जो व्यास है वो 5 है, यानी कि व्यास का मतलब ये पूरा जो है हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक ये अर्धगोला का व्यास कहलाएगा वो 5 mm है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अर्धगोला का जब व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का जो जितना व्यास होगा उतना ही ना बेलन का भी व्यास होगा, क्योंकि दोनों का यहाँ से यहाँ तक देखिए बेलन है, ये क्या है बेलन, और दोनों किनारे पर अर्धगोला लगा है तो बेलन का भी व्यास उतना ही होगा। ठीक है, यानी अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों कितना mm है, 5 mm, इसलिए त्रिज्या आर का बात करें तो व्यास का आधा होता है d/2, यानी कि 5/2, जिसको हम लोग 2.5 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है यानी कि 5/2, तो त्रिज्या हो गया 2/2.5 mm। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बेलन का तब ऊंचाई कितना बचेगा, बेलन का लंबाई कितना बचेगा, आखिर ऊंचाई तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए बेलन का। तो इसलिए आप ये बात कीजिए कि त्रिज्या जब दोनों तरफ का त्रिज्या 2.5 है तो इसका भी 2.5 यहाँ से घटेगा और इधर भी 2.5, क्योंकि त्रिज्या अर्धगोला का तो हमेशा बराबर होगा, तो 2.5 एन से इधर ई वाला हो गया 2.5 और ये वाला हो गया 2.5, क्योंकि त्रिज्या बोला जा रहा है, त्रिज्या तो 2.5 आया, तो 2.5 और 2.5 यानी कि अढ़ाई इधर अढ़ाई इधर 5, तो पूरा कैप्सूल का लंबाई 14 था और दोनों तरफ घट के 5 घट गया, तो बेलन का जब लंबाई बट गया वो कितना बच गया, 9 mm, ये हो गया बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई। तो कुल मिलाकर अब हमको बेलन की ऊंचाई पता करना है, बेलन की ऊंचाई तो कैसे करेंगे, पूरा है 14 mm कैप्सूल, उसमें से दोनों तरफ के 2.5 टू पॉइंट घटा लेंगे तो 9 mm हम लोगों को बेलन की ऊंचाई बनेगा, इसलिए h का वैल्यू
9 mm। क्लियर। अब पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई? तो अर्ध गोले का पृष्ठीय का मतलब कुल टोटल, यानी कि यहां से यहां तक वक्र, यहां से यहां तक वक्र, तो कै गो वक्र हुआ? तो 2 गुने अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ ये वाला, और प्लस में कौन सा वाला? तो ये बेलन का भी वक्र। क्योंकि देखिए पूर्ण पृष्ठ का मतलब आप ये नहीं समझें कि सर बेलन का तो भी तो पूर्ण पृष्ठ ऐड होगा, नहीं, सब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो सबका हम लोग को चारों तरफ से निकालना है। इसको इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का यहाँ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे, बेलन का वक्र लगाएंगे, क्योंकि वक्र से ना जुड़ा हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 गुने अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। ये सब फार्मूला हम पहले ही नोट डाउन करवा दिए हैं। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया, 4 पाई r² प्लस 2 पाई r h। अब आपको क्या करना है, 4 के जगह पे 4 रखना है, पाई के जहाँ जहाँ वैल्यू आएगा 22/7, आर मैंने कि त्रिज्या, त्रिज्या के जगह कितना रखेंगे 2.5 प्लस यहाँ पे आर के जगह पे 2.5, लेकिन एच, एच का मतलब बेलन की ऊंचाई 9 रखिएगा, और इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक के हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको हम अधूरा समझाए हैं, आप इसको कम्प्लीटली आंसर तक पहुँचिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से इसी चैप्टर में, एक्सरसाइज 13.1 का 7वें नंबर क्वेश्चन से फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।